brought to you by Tecno Spark 20 series smartphones. सर्वे कराए गए और अमेठी के मुकाबले में रायबरेली में के सर्वे में यह पाया गया कि कांग्रेस का प्रत्याशी अगर नेहरू गांधी परिवार का हो तो वो बासानी जीत जाएगा। बार बार ये बात आ रही है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में जब तक बीजेपी को नहीं हरा सकती, जब तक वहाँ अपनी कमजोरी दूर नहीं कर सकती, तब तक जो है आप बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा सकते। अब क्योंकि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता एक कार्यनेता चुनाव लड़ रहा है, अब स्मृति ईरानी पे प्रेशर है कि वो जीते और अच्छे तरीके से जीते। अगर वहाँ कुछ उलटफेर होता है तो स्मृति ईरानी की किरकिरी होगी। क्या यहाँ से चांस प्रियंका गांधी के लिए भी कुछ बन रहे हैं, क्योंकि जयराम रमेश ने बाईपोस की तरफ भी इशारा किया, सीक्रेट स्ट्रेटेजी की बात भी कही है। कांग्रेस के 50 या उससे कम सीटें तो भाजपा 350 पार बासानी, कांग्रेस 75 पार भाजपा 300 के अंदर, कांग्रेस की अगर 100 पार तो भाजपा को जो है वो पूर्ण बहुमत लाना भी मतलब फिर हम 240 250 और उससे कम भी सीटें आ सकती है। वोट परसेंटेज 3-3% जो है कम हो रहा है, तो ये बताता है कि चुनाव को लेकर लोगों का उत्साह कम हो रहा है। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज तक के इस खास शो वीकली शो साप्ताहिक सभा में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। हमारी कोशिश है कि लगातार जो आम चुनाव हैं उनको खास तौर पर समझें और फिर आपको समझाएं, और हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हमारी समझाइश बढ़ाने के लिए हम एक खास अतिथि के साथ जुड़ें। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राशिद किदवई साहब, और हर बार की तरह हमारे साथ तक चैनल्स के प्रमुख मिलिंद खांडेकर जी। दरअसल आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा बड़ी है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिहाज से और नॉर्थ इंडिया के लिहाज से, और फिर पूरे देश के चुनाव से जोड़ेंगे उसे। राहुल गांधी ने वायनाड का चुनाव लड़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सस्पेंस के बाद कि अमेठी लड़ेंगे, रायबरेली लड़ेंगे या लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस सब सस्पेंस को ख़त्म करते हुए उन्होंने रायबरेली सीट से लड़ने का फैसला किया है। राशिद सर, सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी इस बात को आगे बढ़ा रही है कि वो अमेठी से भाग गए, अमेठी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा या और दूसरे जो नेता हैं उन्होंने भी कहा और कार्यकर्ता भी अब ये कहने लगा है, तो क्या इस सबका बहुत प्रभाव पड़ेगा, कहाँ तक जाएगी ये बात? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से कांग्रेस को या राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाए। देखिए, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और कोई भी नेता किसी भी राजनीतिक दल का हो वो एक से ज्यादा सीट पे नहीं लड़ रहा है। अगर एक से ज्यादा सीट पे नहीं लड़ रहा है जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरा एनडीए के और जितने भी क्षेत्रीय दल है देश के एनडीए के या जो इंडिया अलायंस के, कोई भी व्यक्ति जो है एक से ज्यादा सीट पे नहीं लड़ रहा, तो राहुल गांधी से ये एक्सपेक्टेशन क्यों? ये तो अनावश्यक बात है। दूसरी बात है कि राहुल गांधी क्यों कूदे, ये प्रश्न उठता है चुनाव में, तो उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का आग्रह है। दरअसल जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बातचीत हुई इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो बार बार अखिलेश यादव का ये तर्क था कि देखिए, आपके पास सीट मांगने का तो उस तरीके का हक नहीं है, क्योंकि 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस एक सीट जीती थी और केवल 3-4 सीटों में ही दूसरे नंबर पे थी, तो ज्यादातर जगह पर उसका तीसरा चौथा नंबर आया था। तो उस परिस्थिति में उन्होंने कहा कि हम आपको ज्यादा सीटें देंगे, लेकिन आप में से मतलब नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य और बाकी जगहों के ऊपर भी अच्छे दमखम वाले नेता चुनाव में लड़वाइए। फिर आया पहला चरण जहां पर अखिलेश यादव को आभास हुआ कि उत्तर प्रदेश में एक गुंजाइश है। दरअसल उत्तर प्रदेश में करीब 34 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की जहां के ऊपर इंडिया अलायंस का 40% से ज्यादा उनके पास वोट शेयर है, और 43 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा का वोट शेयर जो है वो 50 से ज्यादा है। तो इस बात पे फिर उन्होंने इस बात पे बहुत ज्यादा जोर देने लग गए कि कांग्रेस से मतलब नेहरू गांधी परिवार से अमेठी रायबरेली से कोई चुनाव लड़े, और उसके बाद में राहुल गांधी कांग्रेस जो नहीं चाहती थी, फिर उन्होंने एक अपना आकलन किया, बहुत सारे सर्वे कराए गए और अमेठी के मुकाबले में रायबरेली में के सर्वे में यह पाया गया कि कांग्रेस का प्रत्याशी अगर नेहरू गांधी परिवार का हो तो वो बासानी जीत जाएगा। देखिए, ये कहना कि एक नेगेटिव माइंडसेट है, डिफिसिटिव माइंडसेट है, नकारात्मक सोच है, वो नकारात्मक सोच राजनीति में चलती है, वजह इसके कि पराजय जो है वो बहुत तकलीफदेह होता है किसी भी राजनेता के लिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए, और वो राहुल गांधी उससे भी वाकिफ है। तो ये जो होता है ना कि सत्ता ही सत्य है, उस प्रिंसिपल में चलते हुए ये निर्णय लिया गया है। सर, जिस तरीके से सर ने बताया कि सत्ता ही सत्य है और पराजय बहुत दुखदायी होती है, तो जिस तरीके से अमेठी में 2019 में वो हारे
और रायबरेली की सीट ऐसी है कि जब से देश में चुनाव शुरू हुए हैं तो उस पर उनके दादाजी फिरोज गांधी, दादी इंदिरा गांधी वो चुनाव लड़ी, और सोनिया गांधी बहुत लंबे अरसे से चुनाव जीतती आ रही हैं। सिर्फ एक बार 1977 में राजनारायण वहां से चुनाव जीते थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था। तो ये जो सीट है वो सेफ सीट है इस वजह से इधर आ गए? नहीं नहीं, देखिए सेफ सीट की वजह से आई है तो बहुत ही स्पष्ट है। हाँ। क्योंकि अगर आप पिछले तीन चुनाव का भी मार्जिन देखेंगे तो तीनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी मतलब उसको सोनिया गांधी जी को 50% से ज्यादा वोट मिले। बिल्कुल, मतलब इवन जबकि 2019 में मोदी की लहर थी तब भी सोनिया जी को 55% वोट पड़ा था। तो अब जब 2019 में 55% वोट जिस सीट पर कांग्रेस पार्टी को पड़ा है तो वो, और राहुल गांधी अगर वहां से लड़ रहे तो उससे ज्यादा सेफ तो कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन आप वायनाड में भी चुनाव लड़ रहे हैं और आप अमेठी या रायबरेली से लड़ रहे हैं तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये था विचल कि जब बार बार ये बात आ रही है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में जब तक बीजेपी को नहीं हरा सकती, जब तक वहां अपनी कमजोरी दूर नहीं कर सकती, तब तक जो है आप बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा सकते। और हमने आंकड़े भी देखे कि जब बीजेपी और कांग्रेस में डायरेक्ट फाइट हुई 190 सीटों में तो 175 सीटें बीजेपी ने जीती, बिल्कुल 15 सीटें ही कांग्रेस ने जीती थी, मतलब 10 में से 9 जगह पे बीजेपी जीती और एक जगह कांग्रेस जीतती है। तो सवाल ये है कि अगर आप चाहते थे कि भाई उत्तर भारत में, हालांकि चुनाव जैसे राजस्थान में हो चुका है, मध्य प्रदेश में भी अब लगभग आधी सीटें हो जाएंगी, तो मैं कह रहा हूँ अगर ये आइडिया ये है कि आप एक लंबा एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में, तब तो उनको अमेठी से लड़ना चाहिए था। जीत हार की तो बाद में बात होती ना, क्योंकि जो सीट आपने गवाई है वो आप छीनने की कोशिश करते तब तो माना जाता कि भाई आप मतलब कुछ जीतने के लिए गेन होता। अब अगर रायबरेली जीत भी जाते हो तो आपके पास कोई गेन नहीं है, जितनी सीटें पहली थी उतनी ही अभी है। तो ये मेरी नजर में जो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग थी वो कहीं ना कहीं चूक गए इसमें। पॉलिटिकल मैसेजिंग में चूके, लेकिन अभी ये लगातार बात कही जा रही है कि अमेठी की सीट भी वो ऐसे नहीं छोड़ दी गई है, उस पर केएल शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। राशिद सर आप तो बखूबी जानते हैं कि वो बराबर ये कह रहे हैं कि मैं नेता के कहने पर चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन उनकी जो पहचान है वहां पर तो काफी अच्छी खासी है, लगातार लोगों के बीच में वो बने रहते हैं, तो वो सीट भी क्या दमदारी से चुनाव लड़ने पर आ रहे हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी कह रही हैं कि वो 6 तारीख के बाद वहीं कैंप करेंगी। जी अभी चलिए, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। देखिए किशोरी लाल के बारे में जो लोग बहुत ज्यादा राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेते हैं या उत्तर प्रदेश से दूर है उन्हें ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है। किशोरी लाल जो है वो बिल्कुल अमेठी की सीट में और रायबरेली की सीट में भी वो सारे करता धरता है, बल्कि 2019 चुनाव हुआ था जिसका बार बार जिक्र करते हैं जिसमें स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया, तो सारा दोष जो था वो किशोरी लाल के मत पे गया था क्योंकि किशोरी लाल वो कॉन्स्टिट्यूंसी के मैनेजर थे, उनके ऊपर ये आरोप लगा था कांग्रेस जन की तरफ से ही कि उन्होंने राहुल गांधी को बहुत से लोगों से मिलने नहीं दिया, या जो लोग रसूख लोग थे जिनके पास वोट थे या जो साधनों के साधन थे जिनके पास संपन्न लोग थे उनसे राहुल गांधी की दूरियां हो गई थी और इस कारण से राहुल गांधी को पर्याप्त वोट नहीं मिल सके। लेकिन उस समय भी प्रियंका गांधी ने और सोनिया गांधी ने किशोरी लाल का समर्थन किया था। किशोरी लाल लुधियाना के रहने वाले हैं और जब राजीव गांधी दरअसल जब पहली बार 1981 में अमेठी से चुनाव जीते थे जब संजय गांधी के निधन के बाद, और वो समय बहुत एक घटनाक्रम हुआ था जिसकी वजह से दुखद था, मतलब उसमें उस कारण से क्योंकि मेनका गांधी जो थी वो इंदिरा गांधी का घर छोड़ के और फिरोज वरुण को लेके चली गई थी, और उस समय जो संजय के लोग थे जो अमेठी में उनको राहुल गांधी को राजीव गांधी को राजनीतिक रूप से जो था अलग थलग करना पड़ा था और एक नई टीम वहां पर लगाई गई थी और उस नई टीम में के सदस्य थे किशोरी लाल। तो इनका लंबा समय रहा विश्वास पात्र है बहुत ज्यादा। देखिए मिलिंद जी भी जानते हैं जो हमने देखा सूरत में जो हुआ, जो इंदौर में हुआ, जो जो अहमदाबाद में हुआ जहां जो कांग्रेस के जो पहले सोशल मीडिया के हेड थे रोहन गुप्ता, वो पहले उनको टिकट मिला अहमदाबाद ईस्ट से और उसके बाद वो टिकट तो उन्होंने लिया भी नहीं और भाजपा भी चले गए। तो इस तरह से कांग्रेस को खदशा था कि अमेठी सीट के ऊपर भाजपा के रणनीतिकार कुछ ऐसी कुछ अनहोनी करेंगे, इसलिए उन्हें सबसे ज्यादा ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो किसी भी तरीके से जिसको भाजपा अपनी तरफ ना कर सके, और इसीलिए अंतिम समय तक ये मामला टाला गया, टाल मटोल होता रहा और इसलिए किशोरी लाल का बाद में चयन किया। और किशोरी लाल ने जब कहा कि वो बहुत अच्छे वक्ता नहीं है, वो उस तरह के पॉलिटिकल फिगर नहीं है, तो 10 जनपद ने उनको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत करें, आप पर्चा भरे, बाकी काम हमारी जिम्मेदारी है। तो देखिए अब वहां की परिस्थिति बदल गई। अगर
राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी होता या प्रियंका गांधी बनाम स्मृति ईरानी, तो स्मृति ईरानी को एक मौका था कि एक बार फिर वो जिसे हम कहते हैं जॉइंट किलिंग के लिए कि एक बड़ा किला फतेह करती। लेकिन अब क्योंकि एक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता एक कार्यता चुनाव लड़ रहा है, अब स्मृति ईरानी पे प्रेशर है कि वो जीते और अच्छे तरीके से जीते। अगर वहां कुछ उलटफेर होता है तो स्मृति ईरानी की किरकिरी होगी। तो इस तरह की बातें होती है राजनीति में जो हमें बहुत रोचक बनाती है भारतीय चुनाव। सर मैं इसी पर आपका भी कमेंट चाहूंगा कि बहुत ज्यादा जो एक आ जा रहा है कि स्मृति ईरानी को वॉक ओवर दीजिए, जबकि उल्टी बात ये भी तो है ना कि वो ये कह रहे हैं कि हमने एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया है और वो वहां के परिवार के सदस्य हैं। नहीं नहीं ये तो अब जयराम रमेश ने स्पिन देने की कोशिश की है, उन्होंने कहा कि भाई उनकी पहचान स्मृति ईरानी की राहुल गांधी की वजह से थी, और जो कि मैं सही नहीं मानता हूँ क्योंकि 2014 में भी वो चुनाव हार रही थी और तब भी उनकी एक पहचान थी। जब उनका नाम हुआ उस ये कि उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया, एक बड़ा जॉइंट क्लियर था। तो लेकिन अब कांग्रेस ने स्पिन दे रही कि भाई हमने तो उस चुनाव की हवा निकाल दी, लेकिन हवा निकालने वाली बात नहीं। मैंने जैसे कहा ना कि आपको अगर अपनी टैली बढ़ानी थी, अगर आपको सीट छीननी थी बीजेपी से, तो आपको अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड वहां रखना चाहिए था। किशोर लाल जी जो है वो रायबरेली से भी लड़ सकते थे, लेकिन आप जो भी रणनीति कहिए या जो भी बात है कि उन्होंने कहा कि नहीं हम इस चुनाव को हाई प्रोफाइल से लो प्रोफाइल कर देते, एक तरह से राहुल गांधी ने उसको हटा के उसकी जो एक हाई वोल्टेज एक लड़ाई होती वो कम वोल्टेज की लड़ाई हो गई अब। और कुछ दबाव रहेगा स्मृति ईरानी पर भी कि अब उनको अगर किसी आम आदमी से चुनाव लड़ना है आप कार्यकर्ताओं से, लेकिन मेरी नजर में वही बात है कि जो आप सिर्फ लड़ाई अमेठी या रायबरेली की सीट के लिए आप नहीं लड़ रहे, आप पूरे उत्तर भारत के लिए लड़ रहे और आप पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं। तो वो मैसेज जो है आप कितना भी उसको स्पिन दे दीजिए, लेकिन ये तो माना ही जाएगा कि आपने रिस्क नहीं लिया। और बार बार ये बात कही जाती है ना कि चुनाव में हार जीत चलती रहती है, इंदिरा गांधी भी रायबरेली से हार गई थी, बिल्कुल, वाजपेयी जी भी दो दो बार चार बार चुनाव हार चुके, 10 बार लड़ा था। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, एक बार तो दोनों सीटों पर हार गए थे, एक बार 3 में से 2 पर हार गए थे। तो मैं कह रहा हूँ कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई जीतना हारना चुनाव में इस डर से अगर आप मतलब एग्रेसिवली अगर आप चुनाव ही नहीं लड़ोगे तो फिर आप कैसे जीतोगे। तो दो जगह चुनाव लड़ने की बात नहीं है, आपने जो दूसरी सीट चुनी, और ये भी याद रखिए यार, राशिद भी बताएंगे कि भाई पिछली बार अमेठी पहली चॉइस थी, वायनाड सेकंड थॉट था, जब लगा कि भाई यहाँ मामला गड़बड़ हो सकता है तब आप वायनाड गए थे। पहले तो आप अमेठी के उम्मीदवार थे, लेकिन जब आपको लगा कि यहाँ गड़बड़ा जाएगा मामला तो आप ने एक और सीट चुन ली। अब आपने वायनाड तो ले ही लिया, रायबरेली आप ले रहे हो जो कि रिलेटिवली सेफ सीट कही जा सकती है। राशिद सर ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सर कह रहे हैं कि प्लेटर में आपने वो चुना है जो अब आपको बहुत इजीली मिल गया, आपको प्लेटर में वो चुनना चाहिए था कि जिससे आपको एक टैली में सुधार हो सकता था। इस पर आपने अपनी जानकारी जरूर दी है, लेकिन यहाँ पर बात आपने जिस तरीके से बताई कि एसपी का एक दबाव था, दबाव कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब क्या यहां से चांस प्रियंका गांधी के लिए भी कुछ बन रहे हैं, क्योंकि जयराम रमेश ने बाईपोस की तरफ भी इशारा किया, सीक्रेट स्ट्रेटेजी की बात भी कही है, क्या सीक्रेट स्ट्रेटेजी वही होगी जिसमें एक सीट, जब अगर दोनों सीट राहुल गांधी जीत जाते हैं तो एक सीट छोड़ेंगे तो उस पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ लेंगी? जी अभिचल, देखिए ये तो एक राजनीति का हिस्सा है, मतलब स्ट्रेटेजी का, कि अगर राहुल गांधी दोनों जगह से कामयाब होंगे तो वो रायबरेली की सीट जो है वो प्रियंका गांधी लड़ेगी। प्रश्न ये उठता है कि प्रियंका गांधी पहले ही, राहुल गांधी तो बंडियाट से अच्छे मजबूत उम्मीदवार है, प्रियंका गांधी क्यों नहीं अमेठी से लड़ी? दरअसल उसकी दो बड़ी वजह है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश में देखिए चुनाव हो रहा है, तीसरा चौथा पांचवा चरण को अगर हम उनकी सीटों को गिनती करें तो करीब 240 सीटों का चुनाव हो जाएगा जब तक अमेठी रायबरेली का चुनाव संपन्न होगा। अगर राहुल और प्रियंका अमेठी रायबरेली से लड़ते तो ये दोनों लोग जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं इनको अमेठी और रायबरेली में मत सघन प्रयास करना पड़ता और ये बाकी जगह प्रचार नहीं कर पाते तो कांग्रेस की वो 238 सीटों के ऊपर नुकसान होता। जैसे हम जानते हैं कि तीसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है उसमें जो 94 सीटें हैं उसमें से मतलब 89 सीटें, 81 सीटें जो है वो एनडीए के पास में है। तो ये बड़ी चुनौती है। देखिए सीट जीतना जो है वो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ समाजवादी पार्टी का राजनीतिक रूप में कांग्रेस के मुकाबले में काफी दबदबा है। जैसे बिहार में जो लालू यादव की पार्टी है आरजेडी, उसका बहुत दबदबा है, कांग्रेस की स्थिति वहां गौड़ है। तो इन राज्यों में अगर अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का प्रदर्शन अच्छा होगा तो भाजपा को जो है केंद्र में फिर से वापस आना और सरकार बनाने में चुनौती होगी। राहुल गांधी तो देखिए एक गठबंधन धर्म के
के नाते उसका निभाने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि रायबरेली की सीट, और मिलिंद जी भी कह रहे थे कि रायबरेली की सीट अगर जीत भी जाते हैं उससे कोई लाभ नहीं होगा, लाभ तो तब होगा जब उत्तर प्रदेश में भाजपा को 15-20 सीटों पर नुकसान पहुंचा सके या उससे ज्यादा का। तो ये एक रणनीति है जिसका मैंने कहा पहले चरण के बाद थोड़ा सा विपक्ष का आत्मविश्वास बढ़ा है, अब आत्मविश्वास किस धारणा पे कायम है उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि चुनाव में कुछ किया जा सकता है, कुछ दिखाया जा सकता है। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है, मतलब क्योंकि होने को तो खैर हो सकता है, लेकिन क्या अभी की जो पोजीशनिंग लग रही है उसमें लग रहा है कि बड़ा नुकसान जो है वो एनडीए को दे दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में स्पेसिफिकली? देखिए वैसे तो प्रथम दृष्टि में या एक जो राजनीतिक आकलन पिछले अगर आप कई चुनाव का देखिए, वो उत्तर प्रदेश में विपक्ष जो है वो भाजपा को के सामने टक्कर नहीं दे पा रहा है। उसने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर लड़ी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़े, तो वो परिणाम जो है वो मतलब जिसे हम कहते हैं दिलबटा सन्नाटा रहा, कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस बार एक बार फिर कोशिश करनी है। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के चुनाव का रिजल्ट नरेंद्र मोदी को कि वो 350-350 होंगे या उनका 272 या उससे कम सीटें आएगी। दरअसल बहुत बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीट है, पिछली बार 73 मिली थी आपकी गठबंधन के साथ, पहले 66 सीटें है। तो इस वजह से वहां पर कम से कम अगर समाजवादी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फोकस राहुल गांधी के बजाय समाजवादी पार्टी पर ज्यादा होना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहता है और कांग्रेस गठबंधन का, और वहां से जैसा मैं कह रहा हूँ कि 34 सीटों की कांग्रेस के पास में और समाजवादी पार्टी के पास लिस्ट है जहां उनका 40% वोट बैंक है, अगर ये 34 सीटें वो हासिल कर लेते हैं तो भाजपा को केंद्र में सरकार बनाना, अपने पूर्ण बहुमत पाना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल ये चुनाव देखिए अभी चल, हमें समझना चाहिए ये चुनाव कहाँ हो रहा है, मतलब देश में पूरे हो रहा है, लेकिन जो ऐसे राज्य जहाँ पर बड़ा उलट फेर की गुंजाइश है वो एक बंगाल एक चुनाव है, बंगाल का एक चुनाव है। क्या ममता बनर्जी 30 से ज्यादा सीटें लाएगी या क्या भाजपा 30 से ज्यादा सीटें लाएगी, दोनों साइड्स के अपने अपने उनके ऐसे आकलन है। और अगर भाजपा 30 से ज्यादा सीटें बंगाल से ले आती है तो फिर एक चुनाव उनकी बहुत ज्यादा बढ़त हो जाएगी। फिर आता है महाराष्ट्र जहाँ के ऊपर जो भाजपा का जो गठबंधन है जो एक शिवसेना से और एक एलसीपी से, वो उसके बाद पिछले चुनाव में बहुत बढ़त थी, लेकिन जो उसके मुकाबले में दूसरा जो आया है मतलब उद्धव ठाकरे की का जो शिवसेना है और शरद पवार की जो एनसीपी और कांग्रेस, उसका प्रदर्शन कैसा रहेगा। तो ये और कर्नाटक में जिस तरीके से अभी ये दूसरे चरण में जो ये सेक्स स्कैंडल की बात आई है उसका क्या परिणाम होगा, ये चुनाव को बताएंगे कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। नहीं तो अगर आप आंख बंद करके ऐसी कल्पना करें तो आपको नरेंद्र मोदी और 300 पार नजर आएगा, लेकिन ये ऐसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका होगी कि क्या नरेंद्र मोदी 350 या 300 पार ला करके फिर से सत्ता में वापस आएंगे या एक गठबंधन की सरकार, चाहे उन्हीं के नेतृत्व में बने एक गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने ओवरऑल बताया, और यही मुझे लगता है कि जब भी मिलिंद सर चर्चा करते हैं तो वो कहते हैं कि महाराष्ट्र बिहार और बंगाल वही हैं जो डिफरेंशिएटर हो सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के लिहाज से लगता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है या फिर वही जो पैटर्नाइज सिस्टम है वो दिख रहा है? देखिए जो हमारे पास कोई आंकड़े प्रेडिक्ट करने का तरीका नहीं, बिल्कुल, लेकिन जो पहले चुनाव से पहले ओपिनियन पोल हुए थे वो 70 से अधिक जगह दे रहे थे, और ये जो है अगर आप 2019 के मुकाबले देखें तो भाजपा को इसमें गेंद दिख रहा था, लेकिन ये मार्च और की बात थी, मार्च या अप्रैल का ये आंकड़ा था। अब बात ये है कि जैसे रशीद ने बंगाल का जिक्र किया तो वहां बीजेपी का गेन होने की बात कही जा रही है, उत्तर प्रदेश में भी गेन होने की बात कही, जब अगर 350 से पार जाना है या 400 के पार जाना है तो ये उत्तर प्रदेश में भी गेन होने की जरूरत है। वो 80 में से 80 का भी नारा दिया गया था, लेकिन मतलब मैं कह रहा हूँ कि 75 भी आ जाती है, मतलब वो जो अगर गेन वहां से होता है तो वो उसकी टैली को बढ़ाने में सहायक होगा। लेकिन अगर वो 2019 की टैली तक की बात जाके रुक जाती है, उससे 2-3 सीटें ही ज्यादा बढ़ती है, 4 सीटें, तब जो है ये 370 पार वाली जो बात है इसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि फिर आपको डिफेंड करना है। देखिए आपको डिफेंड करना है महाराष्ट्र को जहां 42 सीटें आई थी आपकी 48 में से, एनडीए की मैं बात कर रहा हूँ, कर्नाटक में आपकी 25 सीटें आई थी, वो आपको डिफेंड करना है। तो बड़े राज्य जो है वो डिफेंड करने वाले हैं भाई, जो राजस्थान में 25 में से 25 थी वो भी डिफेंड करना है आपको, मध्य प्रदेश में मतलब मैं कहूँ यहाँ कर भी लिया डिफेंड, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में आपने ज्यादा गेन नहीं कर पाए 10 सीटों का, तब वो उसके बिना वो 370
बार या 300 मतलब 400 बार जो एनडीए की बात हो रही है वो मुश्किल हो जाएगी। उस लिहाज से उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बीजेपी को अपनी बढ़त बढ़ानी है तो उसको कहीं नुकसान होता है मामूली सा बिहार में या महाराष्ट्र में, तो उसकी भरपाई जो है बंगाल और उत्तर प्रदेश से होने की उम्मीद है। राशि सर, मैं आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा इन चुनावों को लेकर। बराबर ये एक शब्द जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, एक स्लैंग कह सकता हूं उसको मैं। देखो, मैं आखिर में हाँ, जाने से हाँ, पहले एक बात आपसे राशिद पूछना चाहता हूं। आपने एक सर्वे का जिक्र किया कि जो कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे किया तो उसमें कहा कि भाई वो रायबरेली में तो आराम से जीत जाएंगे लेकिन अमेठी में 50-50 चांस है, तो ये क्या सर्वे था ये? देखिए, जब से ये पूरी की पूरी कवायद शुरू हुई और पहले चरण के बाद के ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़े तो वहां पर कांग्रेस में इंटरनली ये फॉरवर्ड किया गया, क्योंकि आजकल देखिए मिलन जी चुनाव जो है वो बड़े तरीके साइंटिफिकली साइंटिफिक तरीके से होते हैं, तो राजनीतिक दल जो है वो पहले उसका सर्वे कराते हैं और वो सर्वे एजेंसीज हैं जिनकी वो कहते हैं कि उनकी बड़ी साख है। आप जानते हैं कि सुनील कानूकोल्लू तो विधिवत रूप से भी कांग्रेस में शामिल हैं और वो कर्नाटक की सरकार में उनको मंत्री पद का दर्जा भी दिया गया है, तो कांग्रेस ने अपने इन हाउस उससे ताबड़तोड़ सर्वे कराए, दोनों जगहों के ऊपर सर्वे कराए और उसके रिजल्ट जो हमें पता है पता चले या मेरे सूत्र ने बताया तो वो बड़े दिलचस्प थे कि अमेठी में ऐसा बताया गया कि वहां 50% का इम्कान है, मतलब जैसे 16 बार सर्वे किया गया तो 8 बार में ऐसा पता चला कि नेहरू गांधी परिवार का सदस्य भी हार सकता है और 8 बार ऐसा लगा कि नहीं कम मार्जिन से जीत सकता है, और उसके बरखिलाफ उसके बिल्कुल विपरीत रूप से रायबरेली का जो सर्वे के रिजल्ट थे वो कंसिस्टेंट थे कि वहां पर 16 बार में तो 16 बारों में पूरा का पूरा कांग्रेस को ही नेहरू गांधी परिवार के सदस्य की जीत दिखाई गई। तो ये एक ऐसा एक पैमाना मिला जिसके ऊपर राहुल गांधी को कन्विंस किया गया कि आप चुनाव लड़े, क्योंकि राहुल गांधी देखिए पिछली बार एक तरीके से चोट खा चुके थे और चोट खाने के बाद में वो दोबारा दो जगहों से चुनाव लड़ने में उनको रुचि नहीं थी, लेकिन उनको बाध्य किया गया, घेरा गया बाहर से भी और अंदर से भी कि वो चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने में वो हर आदमी चाहता है और उसमें मुझे कोई गलत बात नहीं लगती, क्योंकि आदमी चुनाव लड़ने जीतने के लिए लड़ता है। चुनाव केवल ये तो हम टेलीविजन स्टूडियो में बैठ के कह सकते हैं कि नहीं, हार जीत तो होती रहती है, हार बहुत तकलीफ पहुंचाती है, हार की जो वो जो झटका लगता है जो बैलेट पेपर का पहले होता था या बैलेट बॉक्स का जो घूंसा लगता है उससे आदमी आसानी से रिकवर नहीं करता। मैंने देखा है कि अच्छे खासे जवान लोग जो होते हैं बिल्कुल एकदम बुढ़े हो जाते हैं, धाराशाही हो जाते हैं एक चुनाव हारने से, क्योंकि उसमें उनका इतना रुपये पैसे के अलावा इमोशनल इन्वेस्टमेंट, शारीरिक ताकत सब इतनी जाती है और उसके बाद आपका नतीजा सिफर हो तो 5 साल बाहर रहने का कोई फायदा नहीं रहता। इसलिए जो है चुनाव हर राजनीतिक दल हर कीमत में जीतना चाहता है और राहुल गांधी कोई अपवाद नहीं है, तो उन्होंने बहुत फूक के सोच समझ के ये कदम उठाया है और उनको लगता है कि रणनीति कामयाब रही। तो राशि सर, जो मैं बात कर रहा था आखिर की, वो ये कह रहा था कि ये चुनाव जो है ठंडा पड़ा हुआ है ये बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। आज जब हमने तस्वीरें देखी रायबरेली की, अमेठी की, तो बड़ी रोमांचकारी तस्वीरें थी, दिलचस्प तस्वीरें थी। अब ऐसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में लगातार तस्वीरें आएंगी भी, तो अब क्या लगता है कि एक महीना जो ये जो एक महीना है अगला एक महीना उसमें ये चुनाव जो है वो दिलचस्प हो जाएगा या गर्माहट ले लेगा अपनी? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा गर्मी आएगी क्योंकि प्रधानमंत्री जैसा हम जानते हैं कि बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे कैंपेनर हैं, वो बार बार ये जो शहजादा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अब, और वो राहुल बनाम मतलब नरेंद्र मोदी हो जाएगा, और ये बात से थोड़ा सा जो विपक्ष के लोग हैं वो भी थोड़ा सा विचलित होंगे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि ये चुनाव जो है राहुल गांधी के इर्द गिर्द हो। तो ये तमाम सीधे, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल जी अभी तो खैर विशेष परिस्थितियों में जेल में है, लेकिन उनके जो सहयोगी है उन सब लोगों को ये बहुत अच्छा नहीं लगेगा कि इतना ज्यादा फोकस अटेंशन मीडिया का और प्रधानमंत्री का राहुल गांधी के ऊपर हो। देखिए सब कुछ इस पर निर्भर करता है, देखिए बहुत साफ गणित है अभी, चल एक मतलब बहुत ही सादी जबान में मैं बताऊंगा। देखिए कांग्रेस के 50 या उससे कम सीटें तो भाजपा 350 पार बआसानी, कांग्रेस 75 पार भाजपा 300 के अंदर, कांग्रेस की अगर 100 पार तो भाजपा को जो है वो पूर्ण बहुमत लाना भी मतलब फिर हम 240-250 और उससे कम भी सीटें आ सकती है। तो ये एक मोटे मोटे तौर पर एक मिशन है, मतलब भाजपा को रोकने का काम जो है वो पूरा दारोमदार कांग्रेस की प्रदर्शन के ऊपर निर्भर करता है कि कांग्रेस 50 पार है कि 75 पार है कि 100 पार है।
बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से था, 50, 75 और 100 का जो डाटा है वो डिपेंड करता है कि बीजेपी कहाँ पहुंचेगी। और आप भी इसी तरीके से समझाते हैं क्योंकि ये तो अंक गढ़े थे, सीधा सीधा अंक गढ़े थे। तो ये सर ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि ठंडे पड़े चुनाव में अब जो उत्तर भारत है, खासकर उत्तर भारत, वो कुछ गर्मी पैदा करेगा। वैसे गर्मी बहुत है जिस तरीके से हम देख रहे हैं। नहीं नहीं, चुनाव में गर्मी मेरे ख्याल से हमने देखा कि पहले फेज के बाद में चुनावी कम से कम भाषणों में गर्मी आ गई और दोनों तरफ से आई है, मतलब प्रधानमंत्री की तरफ से भी आई है और कांग्रेस की तरफ से भी आई है। और निजी बातें भी हो रही है, निजी अपनी कहानियां भी सुनाई जा रही है, आरोप भी हो रहे हैं। तो गर्मी तो अब चुनाव में आ गई जैसे चुनाव में पहले हमको देखने मिलती है, लेकिन गर्मी अब आप उस तरह से देखिए कि वोट परसेंटेज 3-3% जो है कम हुआ है। तो ये बताता है कि चुनाव को लेकर लोगों का उत्साह कम हो रहा है, उदासीनता है, क्योंकि गर्मी मतलब आप मौसम की बात करें या राजनीति की बात करें, लेकिन बात उसका बैरोमीटर जो पता करेगा वो यही पता चलेगा कि लोग वोट डालने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो उसमें भी अगर जब हमने ब्रेकअप देखा था पिछली बार, एक श्रेयस सरदेसाई ने इंडियन एक्सप्रेस में जो लेख लिखा था कि हिंदी भाषी राज्यों में गिरावट ज्यादा हुई है बनिस्बत की नॉन हिंदी प्रदेशों के, मतलब पूर्वी भारत में तो बंगाल में या उत्तर पूर्व में तो हमेशा अच्छी वोटिंग अच्छी होती है, लेकिन मतलब अगर आप जो अभी घटा भी है मान लीजिए तमिलनाडु में या केरल में, उन भागों में घटा भी है तो वो कम घटा है और नॉर्थ इंडिया में ज्यादा घटा है। तो मेरी नजर में चुनाव अभी और भी चरण बाकी है, 5 चरण बाकी है, तो पता चलेगा अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है तो पता चलेगा कि लोगों के प्रति, क्योंकि गर्मी और ठंडी तो इसी बात से पता चलेगी ना जब लोग वोट डालने जाएंगे तो वो वाली बात से, क्योंकि भाषण आप कितना भी दे दीजिए अगर लोगों को इम्प्रेशन नहीं मिल रहा, उससे अच्छा नहीं लग रहा उनको, तो वो शायद वोट डालने नहीं जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके सर ने कहा है कि आप भाषण कितना भी अच्छा दे लीजिए लेकिन वो अगर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो बूथ तक नहीं जाएंगे। आज अब इस सभा में सभी शामिल हुए, राशिद सर आप शामिल हुए, मिलिंद सर आप शामिल हुए, आप सभी का खूब सारा शुक्रिया, और दर्शकों आप सब जुड़े, आपका खूब सारा शुक्रिया, आगे जुड़ेंगे ऐसा पूरा विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद।